गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम आर्म फोर्सेस वेलफेयर सीरीज के तीसरे किस्से में पहुंच गए, जिसमें हम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फौजीज ऑन रिटायरमेंट, यानी कि फौजी रिटायर होने के वक्त उसको क्या प्रॉब्लम्स, क्या मुसीबतें खड़ी होती हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे वंस अगेन विद मिसेस अनुपमा भार्गव। मैडम, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग? ओह, वी आर डूइंग फाइन। इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड द फर्स्ट वन ऑन जनरल थिंग ऑन व्हाट हैपेंस टू फौजीज ऑन रिटायरमेंट, एंड देन इन द लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि यू नो हाउ डज अ फौजी प्लान फॉर रिटायरमेंट। या टुडे आई थॉट वी विल सी यू नो व्हेन ही रिटायर्स हाउ डज ही What are the immediate problems he faces? क्या होता है? क्योंकि अचानक रिटायरमेंट, एक दिन हम फौज में हैं, दूसरे दिन हम सिविल कपड़े में हैं, तो हम you know, उसमें काफी एक तरीके से एक शॉक भी है। तो उसके क्या क्या हैं, क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो पहले ये बताइए, जिस दिन एक फौजी रिटायर होता है, उस दिन के लिए वो प्रिपेयर कैसे करता है, चंद कुछ दिन पहले या अब ऑन रिटायरमेंट, क्या वो बताइए। क्योंकि वो जो मानसिक स्थिति है, अगर वो ठीक ना हो तो बाकी सब कुछ खराब हो जाता है, वो बताइए आप। सही बोला आपने, हम लोग ने लास्ट एपिसोड में यही बात करी थी कि कैसे उनको प्रिपरेशन जो है पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए। अब जब वो घड़ी आई गई कि आप कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले हैं, तो आप भी और मेरे हस्बैंड के साथ मैं भी, हम स्थिति से गुजर चुके हैं। काफ़ी अनसर्टेनिटी की फीलिंग होती है, ये नहीं पता होता है कि दूसरा हम आगे जाके कौन सा जॉब करने वाले हैं, हमारे कैश फ्लोज कैसे रहेंगे, पेंशन क्या हमें पूरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हम अपने आप को ऑक्यूपाई कैसे करेंगे, सेटल कहाँ होंगे, और जिसके बच्चे भी नहीं सेटल होते तो वो भी अनसर्टेनिटी रहती है। तो अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ है जो सभी को महसूस होती है कि हाँ, अब ये एक ऐसा वक्त है जब आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं जो थोड़े टफ हैं। अभी तक आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, अब आपको ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके अलावा उनको ये सोचना चाहिए कि ये फियर रहता है कि जब हम कहीं पे सेटल हो जाएंगे तो क्या वो सही डिसीजन होगा कि नहीं। सो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिनको उनको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अलावा जब रिटायर होने के नज़दीक आती जाती है डेट, तो एक ये होता है कि कम्यूटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में मेरे ख्याल से घूम रहे होते हैं, फौजी परिवार और एक फौजी की तरह भी। ये आप सही बता रहे हो, ये जब जिस दिन मैं रिटायर हुआ था या कुछ दिन पहले, इनफैक्ट कुछ दिन बाद भी, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल था कि कल क्या होगा। सही बात है, ये हमें You know, it was quite uncertain. और कैसे होगा, क्योंकि देखिए, एक दिन हम फौज में हैं, मैं जहां मेरा तालुकात है, मैं तो एक बड़ा अफसर था, चार लोग मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, और जिस दिन मैं रिटायर हुआ उसके अगले दिन, खैर कुछ दिन तक के लिए कुछ लोग लटक रहे थे, पर वो तो खत्म हो गया। और यू नो, यू हैड टू कम बैक टू द थिंग कि भाई, दूध लाने के लिए खुद जाना पड़ता है, ठीक है, और अगर आपके घर के अंदर बल्ब फिट फ्यूज हो गया तो आपको खुद लगाना पड़ता है, या किसी को पकड़ के विनती करना पड़ता है, भाई हमारा फ्यूज लगा दो, इलेक्ट्रिशियन को फोन करो तो वो आता नहीं है। तो दीज आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ विच वी हैव टू एडजस्ट टू। तो उसके लिए एक मानसिक स्थिति चाहिए और हमें पता होना चाहिए किस तरीके से, राइट। उसके अलावा कुछ इश्यूज हैं कि काफी रकम मिल जाता है ऑन रिटायरमेंट, उसका प्लानिंग कैसे करना चाहिए एक फौजी को, ये बताइए जरा। तो मैं जब भी ऐसे कुछ किसी से बात करती हूँ फौजियों से, या कई इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ पे DGMP5 में या एयर वेटरन सेल में बात करती हूँ रिटायरिंग फौजियों से, तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछती हूँ जो हर एक जने को अपने आप से पूछना है। वो ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। सो ज्यादातर यही जवाब आता है कि अगर इससे बेहतर नहीं तो कम से कम इतना तो चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे लाइफस्टाइल को जीने के लिए क्या उन्हें जो पेंशन मिलने वाली है, क्या उन्हें लगता है वो काफ़ी है,
और अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि वो पूरा पढ़ पाए। सो ये एक ऐसा फूड फॉर थॉट है जिसको हर फौजी को सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज में रिटायर हो रहा है, कि आपको आगे क्या करना है। तो वो ही डिसाइड करेगा कि उनको अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा जो उनको पैसा मिलता है उसके ऊपर काफी, मैं एक शब्द यूज करूंगी, काफी प्रेशर सा रहता है जो रिटायरमेंट कॉर्पस मिलता है। अब कैसे प्रेशर रहता है भाई, वही एक आपके जिंदगी की गाड़ी कमाई है, उसी पैसे से आप जो है कैश फ्लोज को जनरेट करेंगे अगर आप दूसरा जॉब नहीं करते हैं, उसी पैसे को आप इस्तेमाल करेंगे अपने फिनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए। तो इसलिए उस पैसे को के ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं। जब हम सब कुछ करना चाहते हैं तो कई बार ये होता है कि वो पैसा हमें कम लगने लगता है। एक बात आती है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ है, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और ऐड हो जाता है। एंड व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि हम जब अब रिटायर होके अपने घर में रहने जा रहे हैं तो हमें भी वैसी ही जिंदगी चाहिए, यू नो, जो हमें बाकी लोग करते हैं इस स्टेज में आके। तो हमें वो भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, सर्वेंट्स भी चाहिए। अगर हम यूज टू थे कि हमारे पास फौज में एक सर्वेंट्स थे, तो अभी भी हमें एक कुक की जरूरत है तो हम हायर करेंगे, हमको ड्राइवर चाहिए तो हम जरूर हायर करेंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, और बाहर जाके ये वाली चीजें जो हम प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में हम नहीं महसूस करते थे वो हमें ज्यादा लगने लगती हैं। ये चीजें सबसे पहले एक फौजी को अपने मन में समझना चाहिए। इसके अलावा उनके और कुछ कंसर्न्स होते हैं? या इसका मतलब सबसे पहले ये है कि एक फौजी जब रिटायर होता है उसको ये समझना चाहिए, या इनफैक्ट उसको ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं किस तरीके से मेरा आगे का जिंदगी जीऊंगा। क्या मैं एक बड़ा गाड़ी चाहिए मेरे को या छोटा गाड़ी चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए या छोटा घर चाहिए, राइट? मैं खुद अपने हाथ से काम करके गुजारूंगा या कुछ नौकर लगकर गुजारूंगा? क्या मैं खेती बाड़ी करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा या नहीं? तो ये सवाल हर एक आदमी का अपना अपना सेट होता है, अपना अपना स्थिति के ऊपर, उसके आधार पर उसने उसने निर्णय लेना है, या उसने इन यू नो ही हैज टू आंसर दिस क्वेश्चंस फॉर हिमसेल्फ, राइट? सो एंड जो बड़ी रकम मिलता है वो एक फिक्स्ड है, क्योंकि एक बार मिलेगा वो रकम, दोबारा नहीं मिलेगा वो, राइट? उसके बाद तो सिर्फ पेंशन मिलता है, ठीक? तो इस बड़ी रकम के साथ उसने अपना जीवन बिताना है, उसके साथ कुछ he has to take some you know sensible steps. So you, I think you need to outline this. So जैसे ही वो रिटायर होते हैं उसके कुछ दिनों पहले कुछ डिसीजंस जो उनको लेने हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि आप ये जाने कि आप कहाँ रिटायर हो रहे हैं, कहाँ पे सेटल होंगे, क्या आपका फैमिली साइज है, तो ये सब बातें जब आपने ध्यान में रख ली, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि आपने कम्यूट करी है अपनी पेंशन तो आपकी पेंशन जो है थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं करी है तो ज्यादा मिलेगी, तो उसके ऊपर एक डिसीजन लेना बनता है रिटायरमेंट के पहले। फिर अगर आपके पास कोई लोन है तो उसके ऊपर डिसीजन लेना बनता है कि उसको रखें कि ना रखें। तो ये तो हो गई रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले की बात। जैसे ही आप रिटायर हुए तो दो तीन चीजें बदलेंगी। पहली चीज, आपका टैक्सेशन ही बदल गया कि अब आपको हो सकता है कि दो तीन जगहों से इनकम आने लगे, आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम आएगी, आपके पेंशन के ऊपर टैक्स लग सकता है, तो आपको एक टैक्स के बारे में सोचना है। एक जो आपने प्रश्न पूछा, मैं अब उसके ऊपर आती हूँ कि आपके पैसे को कहाँ लगाना है, तो उसके लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, क्या वो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करती है कि नहीं। जो चीज आपके लिए सूटेबल है वो जरूरी नहीं है कि रादर जो दूसरों के लिए सूटेबल है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सूटेबल है। तो पहली चीज हुई कि आपकी रिस्क कहाँ पे है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे के साथ। दूसरी चीज ये सोचनी है कि आपका फिनेंशियल गोल क्या है, क्या आपको पैसे की जरूरत नियर टर्म में है, एक या दो साल में है, क्या उसको आपको पांच साल तक जरूरत ही नहीं है, या आपके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, आपके पास घर भी है और आपको शायद वो पैसा अभी 8-10 साल तक ज्यादा पैसे की लमसम पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये वाली चीज को देखना है कि कब हमें पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए कितना चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोग गलती करते हैं कि वो सारा पैसा लेकर FD बना देते हैं इस सोच में, जैसे अगर 50 लाख मिला या 1 करोड़ मिला या 2 करोड़ मिला,
इस सोच में कि शायद हम एक घर खरीदेंगे तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, या मेरी बेटी के लिए शादी के लिए या बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूंगा। तो उससे क्या होता है कि वो उस पैसे को एक ही जगह में रखकर बैठ जाते हैं और उसको ग्रो करने का मौका नहीं देते, या फिर उल्टा काम हो जाता है, वो ब्लॉक कर देते हैं और सोचते हैं जब मिलना होगा तब ले लेंगे। तो आप फाइनेंशियल गोल को ठीक से समझें, उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है उसका अंदेशा थोड़ा बहुत लगा लें, और उसके बाद ये सोचें कि अब हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ उसको लगाएंगे। तो जनरल शंकर, ये तो गाइडलाइंस हुई, अब आप आगे पूछ रहे थे वो पूछिए। नहीं नहीं, मैं पूछने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो मोटा रकम मिलता है अमूमन हमें पता नहीं होता कि करना क्या है इसके साथ। हमें रिक्वायरमेंट्स तो पता होते हैं, ठीक, मोटे तौर पर हमें रिक्वायरमेंट्स पता होता है, पर जो मोटा रकम मिलता है उसके साथ करना क्या है वो पता नहीं होता। और कभी कभी हम ये काब में रह जाते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो अगर ज्यादा हो जाए तो हम कुछ लोग लालच में पड़कर उसको हाई रिस्क ऑप्शंस में डाल देते हैं और जिससे कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मेरा एडवाइस सबको जो भी सुन रहा है कि भाई आप एक संतुलन रखो। पहले बार ये यकीन, आई मीन इनफैक्ट यू शुड बी वेरी क्लियर, ये जो पैसा आपको मिल रहा है आप उस तरीके से लगाइए ताकि ये आपके हाथ से बिल्कुल फिसल ना जाए। You should be in safe investment. और उस सेफ्टी में भी अलग अलग तरीके के सेफ्टी है, कुछ जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट होंगे, कुछ थोड़ा सा रिस्क होंगे उसके अंदर, और जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट में आपका कमाई कम होगा, थोड़ा रिस्क लगा दोगे थोड़ा ज्यादा कमाई हो जाएगा। बट ओवरऑल जो है मैं यही बोलूंगा कि सेफ्टी के ऊपर झुके, क्योंकि ये लास्ट कमाई है आपका, लास्ट कमाई, उसके बाद पेंशन। और ये दूसरी बात इन्होंने जो बताया है वो, ये सब जो आप इन्वेस्ट वगैरह करते हो आपका एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, आपका ऑलरेडी आपने क्या, आपके पास घर है तो आपका अलग का सोच विचार होगा, आपके बच्चे अगर सेटल हो गए, पढ़ाई हो गया उनका, शादी हो गया, तो आपका सोच विचार अलग होगा, अगर नहीं हुए तो आपका सोच विचार अलग होगा। और अगर आपके खुद का हेल्थ के बारे में भी सोचना होगा कि भाई मैं कितना हेल्थी हूं या नहीं, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारा सोच विचार अलग होगा, आपका वाइफ का सोच विचार अलग होगा। ये तो ये सब देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, और जैसे मैंने पहली बार बताया एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके बात कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आमतौर पर हर कोर, हर रेजिमेंट, हर संस्था, आर्मी के अंदर रिटायरमेंट के ऊपर जो रिटायरमेंट में लोग जा रहे हैं उनको लास्ट में रिकॉर्ड्स में या एजीज ब्रांच में एक एक्सपोजर दिया जाता है, जहां एक आदमी या एक औरत आके आपको बताएंगे कि ये करना उचित होगा, ये करना उचित नहीं होगा, तो उसको ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। ओके, तो अभी हमने बोला कि भाई करना क्या है इस पैसे के साथ, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं, व्हाट आर द ब्रॉड ऑप्शंस, हम हर एक ऑप्शन में नहीं जाएंगे, ब्रॉड ऑप्शंस क्या है, किस तरीके, हर एक का क्या रिस्क है नहीं है, आप जरा बताइए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही सेफ्टी के बारे में, मैं उससे एकदम सहमत हूँ। आफ्टर ऑल आपकी जिंदगी भर की कमाई है, इसको सेफ रखना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेफ रखने के चक्कर में उसके ऊपर ज्यादातर हम टैक्स दे देते हैं, और जो हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न आता है वो इन्फ्लेशन या महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पाता। इसमें हमारे अपने पैसे को, जैसे मैंने तीन चीजें कही, उनको ध्यान रखने के बाद कि आपको पैसे की जरूरत कब है, किसके लिए है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मैं लोगों को बताती हूँ, एक पिरामिड या एक ट्रायंगल की तरह सोचें, तो जिसका बेस जो होगा, जो नीचे का हिस्सा होगा वो सबसे चौड़ा है और सबसे बड़ा है, तो उसके अंदर आपने वो पैसे रखने हैं या वो ऐसी स्कीम्स चूज करनी है जिसके अंदर आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, कैपिटल वाइपआउट नहीं होना है। सबसे नीचे जो बेस होएगा वो कैपिटल प्रोटेक्शन की स्कीम, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक के हो गए, या पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या और भी कुछ इस तरीके की स्कीमें जहां पे आपका कैपिटल कहीं नहीं जाएगा, पीपीएफ हो गया, तो आप ऐसी जगह में अपने पैसे को रख सकते हैं। यहाँ पे वो वाला पैसा भी होना चाहिए जो आपको एक साल से कम या एक से तीन साल तक चाहिए होता है।
अब जब ये हमने कर दिया तो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट आती है ट्राइंगल के ऊपर, जो दूसरा सेक्शन है वो होगा इनकम जनरेशन, मतलब पैसे को कैश फ्लो बनाना। सिर्फ लॉक करके रखना या बढ़ाते रहने से फायदा नहीं है, कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो लगातार आपके पास एक स्ट्रीम में वापस आना चाहिए, तो इसको हम इनकम जनरेशन बोलते हैं। इसमें भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, या मंथली इनकम के प्लान्स हो गए, या कोई एन्युटी ले ली आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी आपको लगातार पैसे देती है। तो नीचे का हिस्सा हो गया जो आपका सबसे चौड़ा है, जो सबसे स्ट्रांग है, मजबूत है, वो हो गया आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। फिर आया आपका इनकम जनरेशन, उसके ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, तो जो आज हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी या उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें आज से 10 साल या 15 साल बाद भी होगी। हम जिंदा तो और भी रहने वाले हैं, तो हमें पूरी जिंदगी भर पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ पोर्शन, जो छोटा पोर्शन है, वो जाना चाहिए कैपिटल ग्रोथ और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये चीजें होती हैं जो आप म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, ऐसी चीजों में लगा सकते हैं। जब हम इनकम जनरेशन की बात करते हैं, तो अगर हाँ छोटी मोटी आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, लेकिन उसमें रिमेम्बर बहुत सारा पैसा चला जाता है, तो जहां से रेंटल आ सकता है, लेकिन अगेन याद रखिए रेंटल काफी कम परसेंटेज मिलता है जो आप कैपिटल लगाते हैं उसका। नीचे का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके ऊपर आपने इनकम जनरेशन किया, फिर आपने वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या ऐसी चीजों में जरूर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जनरल शंकर एक ट्राइंगल बनाइए। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी है, जो आपने भी कही, एमरजेंसी। एमरजेंसी किसी की भी आ सकती है। ये सारी चीजें करने से पहले आपके 3 महीने का, 3 या 6 महीने का खर्चा, जो भी आप खर्च करते हैं उसमें, वो भी जोड़िए, जो आप अगर ईएमआई, आपके लोन चल रहे हैं तो उसका ईएमआई भी जोड़ें, उसको आपने अलग हटा के रख देना है कि अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम इसमें से निकाल के अपने इमरजेंसी को मीट कर लेंगे। इससे आपको 2 फायदे। पहला, आपको कभी भी ऐसे महसूस नहीं होगा कमी कि हाँ अरे हमारा पैसा तो अब इन्वेस्ट हो गया, अभी हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर करेंगे, ना कि सिर्फ पैसे को कहीं पे पार्क करने के लिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आप बहुत अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, और प्लान हर चीज में बहुत काम आता है। प्लान के ऊपर जरूर ध्यान दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है, और पिछले एपिसोड में भी इन्होंने एक चीज बताया, मेक मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। अगर वो स्थिति पाना है तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया है वो टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास अचानक पैसा आ जाता है और उस पैसे से आपको कमाई होता है, आपके पेंशन जोड़ दो तो टैक्स का योर लाइबिलिटी बढ़ जाता है। तो जब फौज में है, सर्विस में है, तो हम DSOB में डाल देते हैं, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट 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 में है और हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, पर रिटायर होने के बाद तुरंत ये प्रॉब्लम होता है। टैक्स प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, रिटायरमेंट होते ही अब थोड़ा 1-2-3 महीने खर्चा बढ़ जाता है, क्यों? रीसेटलमेंट में, जहां आप रिटायर हो रहे हो और जहां जाके आप बसोगे, वहां उसके लिए आपको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। आप अपना अपना इलाका में जाके जहां भी सेटल हो गए, अपना अपना स्थिति के अनुसार एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कितना पैसा आपको लगेगा रीसेटलमेंट के लिए। तीसरी बात इसी में, इमरजेंसी फंड, कुछ रकम आप रखिए हर वक्त बैंक में, 2-3 लाख, 1 लाख, 50,000, 30,000, जो आप सोचते हो आपके हैसियत के मुताबिक और आपके हालत के मुताबिक, कि अचानक अगर कुछ हो गया तो आपको कितना पैसा लगेगा। उदाहरण के तौर पर मैंने अपना अंदाजा लगा दिया कि भाई अगर इमरजेंसी के लिए मैं 5 लाख रखूंगा तो हर वक्त मेरे बैंक में 5 लाख होते हैं, और वो उसका तरीका अलग है किस तरीके से, वो भी ज्यादा हाँ, बैंक में या लिक्विड लिक्विड फंड में कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं रखो 4-5 लाख या जो भी है, ताकि आपको हाथ लगा सकते हो कल पता नहीं कहाँ, कहीं जाना है, विदेश जाना है, या कोई बीमारी हो गया, कुछ अचानक आप बच्चों को मदद करने पड़ा, तो वो होना चाहिए। पर वो तो मेरा अंदाजा है, आपका अंदाजा खुद लगा सकते हो। तीसरी बात, ये जो इन्होंने बोला टैक्स, कैपिटल प्रोटेक्शन, इनकम जनरेशन, राइट, और कैपिटल ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले एपिसोड में इसी ट्रायंगल के बारे में हम बताएंगे
ये कैपिटल इनकम जनरेशन कैसे होता है, कहाँ लगाने से आपको इनकम जनरेशन होगा, कहाँ लगाने से आपको प्रोटेक्शन होगा, और कहाँ लगाने से आपको या कैपिटल ग्रोथ होगा, और ये किस आधार पे करोगे। पर ये सब जितना आप लगाओगे इस ट्रायंगल के ऊपर, ये ट्रायंगल का आकार हर आदमी के लिए अलग होता है। अगर आपके पास सेकंड करियर नहीं है, दूसरे नौकरी नहीं कर रहे हो, तो ये ट्रायंगल का आकार बदल जाएगा। ठीक, अगर आप सेकंड करियर है तो इसका ट्रायंगल का आकार अलग एकदम, तो राइट। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि करियर अगर है कि आपको दूसरा तनख्वाह मिल रहा है तो आपको इनकम की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ और कुछ रिस्क भी ले सकते हो। तो करियर के बारे में वेल्थ क्रिएशन पे डाल सकते हो, क्रिएशन आप में जा सकते हो। तो थोड़ा आप बताइए कि हाउ डज अ मैन प्रिपेयर फॉर अ करियर ऑन रिटायरमेंट और जस्ट बिफोर रिटायरमेंट। हाँ, सो जैसे हम लोग ने बात करी रहे हम लोग इस बारे में कि एक कंसर्न, वन ऑफ द कंसर्न इज कि भाई सेकंड इनकम, सेकंड कैरियर क्या होगा। अब रिटायरमेंट अर्ली हो जाने की वजह से हम लोग इस बारे में भी बात कर चुके हैं, आप लोग अपने पीक पर रिटायर हो रहे हैं, तो इस समय आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, भगवान की दया से हेल्थ भी ज्यादातर लोगों की सही रहती है, सो आपका एक्सपीरियंस और आपका जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो एक काफी कहते हैं ना चरम सीमा पर है, तो उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर जो है उसके लिए हमने पिछली बार बात की थी कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आपको आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, जहां से भी आप रिटायर होते हैं, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कोर्सेज भी किए जाते हैं रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत। सो उसमें कोई कोर्स को कर लेना या अपने आप ही कोई MBA की डिग्री, कोई और कुछ ऐसा ले लेना चाहिए। इसके बाद अब जब आप कैरियर की तरफ सोच करते हैं, तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, जैसे सिग्नल्स के ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं या इंजीनियर्स के हो रहे हैं या EME के हो रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, उसको यूज करें, आपकी जरूरत काफी है। और इस समय आप जब दूसरा जॉब लें तो एक चीज को ध्यान रखें, अगर आप ऐसी सीमा पर रिटायर हो रहे हैं जहां आपको शायद पैसा काफी मिल रहा है या आप पूरा कैरियर करके जा रहे हैं, तो इस समय वो टाइम है ऐसा काम करने का जो आपका पैशन हो, जो आपको इंटरेस्ट हो। आपको सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए पैसा जो आपको मिला है उसको काम पे लगाइए, सो दैट आपकी जिंदगी में वो पैसा काम करके आपके लिए पैसा कमाए और आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। एक आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है AWPO, जो आर्मी के लिए है, वैसे ही पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन नेवी और एयरफोर्स में भी है। वहां पे आप रजिस्टर हो जाते हैं, जब आप अपने स्किल्स को वहां रजिस्टर करते हैं, CV को देते हैं, इनफैक्ट वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जब आप लोग रिटायर हो रहे होते हैं तो उस सेमिनार में वो लोग भी आकर बात करते हैं, आपको CV बनाना सिखाते हैं, उसको जरूर फायदा उठाइए, वहां पे रजिस्टर्ड रहिए, जब जब आपको कोई मौका मिले तो आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए कि अगर टैक्स, जैसे टैक्स की बात हम करें, टैक्स जब हम बचा सकते हैं तो हमारे पास ज्यादा जेब में पैसा होता है, तो जब आप रिटायर हो गए तो आपके पास पेंशन एक टैक्सेबल हो गई, एक इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे करी है अगर वो टैक्सेबल है तो वो भी टैक्स में जुड़ेगा, तीसरा अगर आपने तीसरा जॉब किया तो फिर उसकी भी इनकम जुड़ेगी। तो ऐसे में अगर आपको एक कंसल्टेंट का काम मिल सकता है, हम इसके बारे में जनरल शंकर आई थिंक वी शुड टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट मैडम, वी'ल एज जैसे आपने बोला ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स और टैक्सेशन, all these things, not only retirement benefits, how to do the investment and how to do your triangle, jo aapne bola, iske liye alag alag episode karenge. Aaj aapne mote mote taur par bata diya, ye important, that more than enough. Last point is mein, isse pehle I finish, I want to speak about health. You know, health, very important. How do you handle health after retirement? Just give an idea. Again, we'll do a full thing on health and how to choose a health insurance plan and all later. Aap abhi health ke baare mein thoda bataiye. Okay. So on a more informal side, most of the Faujis are retiring quite healthy. But still, the thing is ki kab emergency ho jaye, kab problem aa jaye aapko ya aapki family ko, iske liye hamesha prepared rehna chahiye. ECHS aapko zarur ek wo deta hai, help deta hai, jiske andar aapki sari coverage hoti hai. लेकिन एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद है, जो कि आप
रिटायरमेंट के काफी साल पहले भी ले सकते हैं, तब प्रीमियम कम होएगा। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, फैमिली अमरेला कवर की तरह उसको यूज करिए, जिसमें ना केवल आप बट आपकी फैमिली भी कवर्ड रहे। और उसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन सबको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। राइट, सो दीज आर द थिंग्स कि हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट पे जो पैसा आता है उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से इसको संभालना है, इन्वेस्ट करना है, बचाना है, जो भी है इसके साथ करना क्या है, आप क्या सेकंड करियर करना चाहते हो या नहीं, ये सवाल है मोटे मोटे तौर पर जो ऑन रिटायरमेंट होते हैं। और ये हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ रहना है वगैरह वगैरह जो हमने किया है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ये ट्रायंगल के बारे में, और आई कॉल इट द वेल्थ मैनेजमेंट ट्रायंगल। विल टॉक ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट ट्रायंगल। बट हमने तो ये सब कवर कर लिया, बट मोटे मोटे तौर पर मैं बताना चाहता हूँ आगे हम इस सीरीज को, आर्म फोर्सेस वेलफेयर सीरीज को हम कहाँ ले जा रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आर्म फोर्सेस वेलफेयर तीन हिस्सों में है एक्चुअली। आर्म फोर्सेस पर्सनल का वेलफेयर एक है, जो वेलफेयर जो स्कीम्स वगैरह जो हमारा एजिस ब्रांच या नेवी के और पर्सनल ब्रांच और एयरफोर्स का भी पर्सनल ब्रांच निकालता है बार बार हर वक्त, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कुछ वेलफेयर स्कीम्स घोषित करते हैं, वो वेलफेयर के अंदर आता है। दूसरा चीज है जहां तक वेलफेयर मोटे तौर पर, वो है एंटाइटलमेंट, आपका हक क्या है, आपका एंटाइटलमेंट क्या है। जिस तरीके से पेंशन है, पेंशन आपका एंटाइटलमेंट है, राइट। चिकित्सा है, वो आपके लिए एंटाइटलमेंट है। क्या एंटाइटलमेंट है, बहुत बार ये देखा गया है एक फौजी या उसका वीर नारी या उसका नेक्स्ट ऑफ किन को वो एंटाइटलमेंट के बारे में पता भी नहीं नहीं चलता। पता होता। और अमूमन ये मेरे को एक विशेषज्ञ ने बताया कि वो फट जाके कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए गलत कर रहा है, राइट। और वो कोर्ट में जाके फंस गया, वो लॉयर आपको एंट लेगा पूरा और आपको चूस लेगा। तो इससे अच्छा है ये जानकारी होना अच्छा है कि कौन से दरवाजा का खटखटाएं और किस तरीके से उनको अप्रोच करें और किस तरीके से वो केस आगे फॉरवर्ड किया जाए। क्योंकि आज के दिन चाहे सीडीए, चाहे पीसीडीए, या चाहे फौज या आर्मी नेवी या एयरफोर्स, हर जगह एक वेटरन सेल होता है। आप उस वेटरन सेल में जाके भी बता सकते हो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए वो एक पहल हो जाएगा। क्योंकि हर बार हमारा तजुर्बा यही रहा है, अगर फौजी एक सही दरवाजा खटखटाएगा तो वो प्रॉब्लम हल होना शुरू होता है। यहाँ तक आपके जमीनी झगड़े या घर के झगड़े या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए भी काम आ सकता है, राइट। तीसरी बात है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिट्स, जो आपको ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैनेजमेंट किसी तरीके से करना है। वो सीरीज हमने अभी शुरू कर दिया है, और हमारा ये माय होप इज ये जो मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिट सबसे आसान सीरीज है। एक मेरे पास मैडम है जो जिन्होंने बहुत लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट सीन में पहुंचा दिया और सेटल करवा दिया, तो ये एक्सपर्टीज है। पहले दो में हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है जो देख रहे हैं और आप जो चाहते हैं यहाँ आके शरीक होके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, तो कृपया आइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू ओवर, राइट। इसके साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू मैडम फॉर टुडेज शो, आपने अच्छी तरीके से बता दिया ऑन रिटायरमेंट क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। आई थिंक थैंक यू। ये जनरल शंकर, आपने इफ आई मे से समथिंग, आपने बहुत अच्छी चीज को बोला अभी। एजुकेशन, मैं उस चीज को पकड़ूंगी। अवेयरनेस एंड एजुकेशन ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको एम्पावर कर सकती है। और ये सिर्फ रिटायरमेंट पे नहीं, ये मेरे ख्याल से हर जने को, स्पेशली विमेन, अफवाह के थ्रू, आवा के थ्रू, नावा के थ्रू बताना चाहिए कि उनके एंटाइटलमेंट क्या है, क्या करना चाहिए उन्हें। ये बहुत बहुत जरूरी है। सो आई रियली एग्री विद इट कि बहुत जरूरी है ये।
ये हमारा कोशिश ये होगा, ये एम्पावरमेंट हो आपका। देखिए मेरा जो है एम्पावरमेंट हो गया, ये मैडम का भी एम्पावरमेंट हो गया, हमने कर लिया अपना एम्पावरमेंट, ठीक है। जो आप लोग हैं जो देख रहे हैं, जो एम्पावर्ड नहीं है, उनको एम्पावर करना हमारा मुद्दा है। थैंक यू मैडम, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टिल नेक्स्ट टाइम।